सऊदी अरबिया में अगर आप ड्राइविंग का काम करते हो तो खास करके लिए आपके लिए, सऊदी अरबिया में अगर आप ये गलती करते हो तो आप जा भी सकते हो जेल। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको आपको सुनकर दिल दहल जाएगा। एक ऐसा ड्राइवर का कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको आपको सुनकर फेफड़े बाहर आ जाएंगे। ये कहानी एक सऊदी अरबिया का ड्राइविंग, जो हाउस ड्राइविंग होते हैं ना, उनकी कहानी है। जैसे मैं भी सऊदी अरबिया में हाउस ड्राइविंग का काम करता हूँ, तो मेरे पास ये कहानी आया, मैंने सुनकर मेरा एकदम से दिल बेचैन होने लगा कि यार ऐसा भी होता है। लेकिन बाद में मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा, समझा, फिर जाके मैंने बोला कि आप लोग के लिए भी ये कहानी बताया जाए, आप लोग से भी बताया जाए, ताकि आप लोग को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए और सऊदी अरबिया में जो है आप अगर रहते हैं तो इस तरह आप गलती ना करें। तो चलिए कहानी को बताते हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक सऊदी अरबिया में काम करने वाले एक ड्राइवर थे जिनका जो है मैडम और कपिल बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से बात करते थे, सब लोग अच्छे से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ, उस कपिल ने उस ड्राइवर को 7 दिन के लिए एक रूम में बंद करके बिना खाना पीने का सिर्फ पानी देता था, उस रूम में पानी रखा था और दिन रात टॉर्चर करता था। 7 दिन अकेले उस रूम में वह कैद रहा। फिर जाके बाद में ऐसा हुआ कि उसको सफर भेज दिया उसकी कपिल ने। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि सबसे पहले क्या हुआ कि वो ड्राइवर जो था उस घर में काम करता था, तो ऐसे हर सऊदी लोग का जो होता है ना, मैडम लोग से ज़्यादा लगाव हो जाता है। जो ड्राइवर होते हैं जो मैडम लोग को कहीं ले जाते हैं, मॉल में ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, अकेली मैडम को जहाँ पे जो लोग लेकर जाता है तो लोग से थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ पूछना हो गया या कुछ चीज़ खरीदना हो गया तो वो लोग खरीद देते हैं, थोड़ा क्लोज हो जाते हैं मैडम लोग। लेकिन गलत तरीका नहीं सोचिएगा, गलत तरीके से क्लोज नहीं होते हैं, एक जो है अच्छा तरीका से वो लोग समझते हैं कि ये मिस्कीन है, इसके लिए थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो वो क्या हुआ कि उसी तरह का वो ड्राइवर था और वो ड्राइवर जो था बहुत ही अच्छा ड्राइवर था, ऐसा कि उसने कभी गलती नहीं की थी। उस दिन ऐसा हुआ कि मैडम गाड़ी से उतरने के बाद जो है ड्राइवर को बोलती है, अगर आपके पास बाबा, जैसे कपिल फ़ोन करता है तो आपको बोलना है कि मैं रियाद पार्क के मॉल में हूँ, ठीक है, और आप भी बोलना मैं पार्किंग में हूँ, ये नहीं बोलना कि मैं कॉफ़ी शॉप आया हूँ। तो वो पूछने लगेगा क्यों, क्या है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कपिल का जो था, वो जो कपिल होते हैं वो सऊदी होते हैं, बहुत तेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। उस कपिल को जो है शक हो गया था अपने वाइफ पे, तो कोई भी वाइफ पे अगर पति को शक हो जाता है तो उसके पीछे पीछे वो लग जाता है। तब क्या हुआ कि मैडम जैसे गाड़ी से उतरी, उतरने के बाद ड्राइवर को बोल दी कि अगर कपिल का फ़ोन आएगा, अगर बाबा का फ़ोन आएगा तो बोल देना कि मैं रियाद पार्क में हूँ, मैं ये नहीं बोलना कि कॉफ़ी शॉप में हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैडम, क्योंकि मैडम जो है बहुत अच्छी थी और ये भी जो है बहुत लगाव हो जाता है तो इस तरह करते हैं। लेकिन ये गलती आप लोग को नहीं करना है, अगर यही गलती आप लोग कर देंगे तो ये सब आगे जो मैंने बताने वाला हूँ ये सब भी आपको झेलना पड़ जाएगा। उसने बोला ठीक है मैडम, ओके बोल के वो मैडम चली गई। जब जा रही थी तो इसने देखा कि एक लड़का जो है अपने गाड़ी से उतर कर इस साथ में जो है कॉफ़ी शॉप में एक साथ वो घुसे। तो जो है अब देखिए कपिल क्या किया, कपिल इसकी गाड़ी का पहले से पीछा किया हुआ था, कहाँ कहाँ जा रहा है गाड़ी लेकर, वो अपने गाड़ी से पीछा किया हुआ था। पीछा करने के बाद जैसे वो भी पार्किंग एरिया में से सब देख रहा था कि मैडम क्या बात कर रही है और वो मैडम जो है किसके साथ जा रही है ऊपर, वो सब ऑलरेडी वो चेक कर रहा था। देन क्या हुआ कि जैसे अब मैडम चली गई कॉफ़ी शॉप में, तो इसको फ़ोन किया कपिल, फ़ोन किया ड्राइवर को कि हाँ बताओ क्या है, कहाँ हो, तो बोला कि मैं रियाद पार्क में हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है तुम रियाद पार्क में हो, कहाँ पे हो, तो उसने बोला मैं पार्किंग एरिया में हूँ। आप लोग भी अगर आप सऊदी में रियाद में रहते हैं तो आपको पता होगा कि रियाद पार्क किधर है। तो उसने बोला कि हाँ बाबा मैं रियाद पार्क में हूँ, आना मौजूद रियाद पार्क, तो बोला ठीक है किधर है तुम, तो बोला कि पार्किंग एरिया में, तो बोला पार्किंग एरिया किधर है, किधर है तू बता तो सही, मैं आ रहा हूँ। तो उसने जैसे ये बात करते करते कपिल उस ड्राइवर के पास पहुँच गया। पहुँचने के बाद जो है उसको बोल रहा है कि तू झूठ क्यों बोला, तू झूठ क्यों बोला, तुम आया है इस कॉफ़ी शॉप में और बता रहे हो रियाद पार्क में, तुम झूठ क्यों बोले, अगर तुमको सच बोल देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करता,
लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मैडम के साथ कुछ चक्कर है, इसका मतलब जो है मैडम तुमको कुछ और एक्स्ट्रा पैसा देती है या मैडम और कुछ करवाती है तुमसे, बहुत सारा चीज़ इल्ज़ाम लगा दिए उस ड्राइवर पे, लेकिन बेचारा वो सिर्फ मैडम का बात मानकर, बात सुनकर उसने झूठ बोला था। उसके बाद क्या हुआ कि उसने उसको लेकर आया घर पे, घर पे आने के बाद उससे सवाल जवाब किया। अगर आप एक बार भी झूठ में पकड़ा जाते हैं ना, अगर आप झूठ बोलते हुए पकड़ा गए, चाहे आप बहुत बड़ी गलती क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको सच बोलना है। झूठ उसे वो लोग बहुत नफरत करता है। अगर आप झूठ बोलते हुए पकड़ा गए, अगर पुराने आप 100 अच्छे काम किए रहेंगे लेकिन एक झूठ उसने पकड़ लिया, तो पुराने 100 काम जितने अच्छे किए रहेंगे उस सब को जो है झूठे में तब्दील कर देते हैं। झूठ आपको मानते हैं कि ये बहुत झूठा है, जितने भी काम किया होगा सब झूठ किया होगा, मतलब झूठ बोला होगा, हमारे से जितना भी काम छुपा किया है वो सब झूठ है, सच इसने कभी नहीं बोला है। लेकिन उसका, उस ड्राइवर का एक ही गलती था कि वहीं पे उसने झूठ बोल दिया कि मैडम यहाँ नहीं, रियाद पार्क में है। देन दोस्तों उसके साथ जो है बहुत सारा सवाल जवाब किया, बताओ कितने दिन से ये चल रहा है, मैडम कितने दिन से कहाँ जा रही हैं, क्या करती हैं, क्यों तुम झूठ कितना बुलवाती है तुमसे, क्या है नहीं है। वो बोल रहा था कि मैडम ने बोला, लेकिन उसका बात ही नहीं सुन रहा था, नहीं बोलता कि नहीं तूने झूठ बोला, इसका मतलब तूने गलती किया है। उसके बाद बोला कि अगर सच नहीं बोला तो मैं तुझे पुलिस के पास दे दूंगा, तुम्हें जेल भी भेज दूंगा, ये वो हाबीजाबी बहुत किया। वो बेचारा सच ही बोल रहा था लेकिन उसको झूठ मान रहे थे। फिर क्या हुआ कि उसको एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो है उसको सिर्फ पानी, खाना टाइम पे, एक दिन में एक टाइम जो है खाना देते थे, और बार बार जब जाता था उस रूम में कपिल तो यही सवाल करता था कि बताओ क्या चक्कर है, आखिर मैडम का तुम्हारे साथ क्या चक्कर है, क्या मतलब कितने दिन से तुम मैडम के चक्कर में हो, क्या क्यों झूठ बोल रहे हो, बताओ सच क्या है। उसने बार बार यही बात बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ बाबा, मैंने, मेरी कोई गलती नहीं है, मैडम ने बोला था, मैं वही सी चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन भाई बाद में चल के मैडम मुकर जाएंगी, मैं क्यों बोलूँगी, बाद में चल के मैडम अपने सर पे थोड़ी ना लेगी, उसको तलाक थोड़ी ना करवाना है, उसको अलग थोड़ी ना होना है, उसका खर्चा देते हैं कपिल लोग। अब क्या हुआ, उसने वही बोला बेचारा, लेकिन उसका एक ना सुना। उसके बाद जो है उसको जो है 4 दिन या 5 दिन का जेल कर दिया। जेल करने के बाद जो है उसको पुलिस के तरफ से इंडिया को सफ़र भेज दिया गया कि तुम मतलब अब यहाँ काम नहीं कर सकते, और उसके जो है 5 साल के लिए बैन हो गया। वो 5 साल जो है अब सऊदी अरबिया नहीं जाके काम नहीं कर सकता, सऊदी अरबिया रियाद में जाके काम नहीं कर सकता, अदर जगह जा सकता है, दुबई, कुवैत, कतर, ये सब जगह जा सकता है। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, मैडम कपिल कितनों झूठ बोलने को बोले, अगर मैडम बोलती है कि कपिल से झूठ बोलना है तुमको, तो आप बोल दीजिएगा ना हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो हराम है, मैं झूठ नहीं बोलता, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा, आप चाहे कितने बड़े झूठे क्यों ना हो, लेकिन आपको मैडम के सामने ऐसा बनना है कि मैं कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला हूँ और ना झूठ बोलूँगा। अगर कपिल बोलता है कि मैडम से तुमको झूठ बोलना है, तो आप तुरंत मना कर दीजिएगा, वो पैसे का भी लालच देगा तब भी आप मना कर दीजिएगा कि नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तो अगर आपको पैसे के लालच दे देगा, पैसा भी दे देगा, लेकिन बाद में चल के जब वो सच आएगा सामने, तब आप पकड़ाइएगा, उसके बाद जो आपको जेल भी जा हो सकते हैं। ये कहानी थी सऊदी अरबिया रियाद की, आप लोग समझ सकते हो, और ये गलती आप लोग अगर ड्राइविंग में काम करते हो तो ये गलती आप लोग कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक सऊदी अरबिया का ड्राइवर हूँ, मुझे पता है कैसे क्या होता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आए तो तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। ओके बाय, मा सलामा, मा सलामा का मतलब होता है बाय बाय।